तो गाड़ी की डिलीवरी लेने के बाद बहुत सारे लोगों को शौक लग गया था कि इसने बोला तो XUV 700 का था लेकिन ये लेकर तो XUV 400 आया। लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने एक बात आपको क्लियर करी थी कि मैं इसमें एक नहीं दो गाड़ियां लूंगा, इसका मतलब XUV 700 भी आएगी। जो न्यू है सब्सक्राइब करना। लेकिन यार डिलीवरी लेते यार एक प्रॉब्लम हो रखी थी हमारे, तो चलो मैं शुरू से बताता हूं। तो ये कुछ गाड़ी का इंटीरियर है और गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो बिल्कुल आवाज भी नहीं। ये जो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ में हमें मिल जाता है ऑटोमेटिक एसी, और गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिला। मतलब भाई गाड़ी में सब एक नंबर। भाई गाड़ी टॉप मॉडल है तो इसके साथ हमें एक चार्जर मिला है, एक हाई वोल्टेज चार्जर है जो घर पर लगेगा, जो हमारी गाड़ी को 5 घंटे में चार्ज कर, और ये बस ये नॉर्मल चार्जर जो हम अपने साथ अपनी गाड़ी में लेकर जा सकते हैं। और भैया ने कुछ कोटेशंस भी दी कि इसके इंजन को हाथ मत लगाना, ये मत बोलना कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। और बस फिर भैया ने इस गाड़ी के फीचर्स एंड ऑल डिस्क्राइब करके हमें डिलीवरी देकर किया यार शोरूम से रवाना। और जो प्रॉब्लम हो रखी थी, सामने टोल टैक्स आ गया और इसमें फास्ट टैग तो लगा ही नहीं हुआ था। अपना डबल पैसा बचाने के लिए फास्ट टैग वाले को ढूंढा, बस टैग लगने के बाद हम लोग घर के लिए रवाना।